In any farm learning center on zero budget ecological farming practices में आपको हमारे farm पे ये शाम के वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम कैसे एक खाद्य का जंगल बनाते हैं जिसे हम food forest कहते हैं और हम बिना कोई weedicide के बिना कोई chemical fertilizers के बिना कोई chemical pesticides के हम seed को mix करके हम यहाँ पे इस ज़मीन में फेंक देते हैं और weeds के साथ ही जो भी घास फूस होते हैं उनके साथ ही अपने फूड क्रॉप को भी ग्रो करने देते हैं। सिर्फ हमारा एक ही काम है कि हमको मिट्टी को अच्छे से खिलाना है तो हम मिट्टी पे हम कंपोस्ट ही बना के जहाँ पे हम एक 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 मुट्ठी गोबर यूज़ करते हैं उस पर हम एक लीटर गो का मूत्र यूज़ करते हैं उसके बाद जो हमारे टर्माइट्स होते हैं जो एंड्स होते हैं टर्माइट हिल का सॉयल हम 250 ग्राम लेते हैं उस पर हम ये राख जो होता है आग जलाते हैं जो रात में फार्म पे उसका जो राख होता है उसका 100 ml दे के हम उसको एक घोल बनाते हैं और घोल को हम मिट्टी में छिड़क देते हैं ताकि ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिट्टी में रहे और हमारे प्लांट्स को खाने को मिले। वीडिसाइड के नाम पे काफ़ी सारा हम लोग वीड्स कंट्रोल के नाम पे वीडिसाइड स्प्रे करते हैं और अपने समाज में काफ़ी सारे बीमारी हम ले आते हैं लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम अभी किंग चिली कर रहे हैं। किंग चिली जिसको हम राजा मिर्च भी कहते हैं और नागालैंड में इसको नागा चिली कहा जाता है, असम में इसको भूत जलोकिया कहते हैं, मणिपुर में इसको ऊमोरक कहते हैं। ये हॉटेस्ट चिली था, गिनीज रिकॉर्ड भी इसने किया हुआ है। तो इस चिली का क्या होता है, इसमें काफ़ी सारे ये छोटे छोटे कीड़े आते हैं जिसको हम एफिड्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक इसमें चार प्रकार के लीफ कर्ल वायरस का इसमें प्रॉब्लम आता था लेकिन जब हम इसको जंगल में कर रहे तो हमको देख रहे कि इसका जो बियरिंग बहुत ज़्यादा है और ये सब वीड्स के साथ पम्पकिंस है, एमरेंट है, हमारा ये लाल साग है और सारे जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल प्लांट्स है उसको मिक्स करके हमने सारा इसको जंगल क्रिएट किया और यहाँ पे हमको ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। एक एक प्लांट में काफ़ी हमारा प्लकिंग आ रहा है। मैं अगर आपको यहाँ पे आके इस प्लांट को दिखाऊं तो इस पे ये सारे किंग चिलीज बहुत अच्छी तरह आ रहा है। साथ में यहाँ पे बथुआ है, बथुआ है, उसके बाद फिर ये पम्पकिन है, फिर वहाँ पे हमारा लाल साग है, तो साथ में हम एरेका नट्स भी कर रहे हैं साइड में बॉर्डर में। तो इस तरह का छोटा छोटा जो मॉडल है ये फूड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट हम नॉर्थ ईस्ट पे हम सारा प्रमोट कर रहे हैं। चाहते हैं कि हमारे फार्मर्स भी काफ़ी मिट्टी को ख़राब ना करें, काफ़ी उस पर टिलेज करके हल चला के या हम नेचुरली जीरो बजट इकोलॉजिकल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के द्वारा हम सब चीज़ को एक साथ करके एक अच्छा खाना हम पूरे सब लोगों के लिए हम तैयार कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि एज ए फार्मर मेरा धर्म है लोगों को अच्छा खाना देना, तो उस पर कोई जहर नहीं मिला के, मिट्टी को ख़राब नहीं करके, कोई हम जहर वीडिसाइड ये घास के नाम पे फिर से कोई जहर ला के न छिड़ा।